हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 जो एनसीईआरटी का है आपका। आज हम उसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। यानी जो भी इस क्वेश्चन को हम पहले चेक करना होगा, अगर अद्वितीय होगा तो उसको हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो आपका पहला जो है प्रश्न, x-3y-3=0, और दूसरा है 3x-5y-9y-2=0। तो चलिए हम पहले इसको चेक करते हैं। तो आपका पहला जो है उसको लिखते हैं, इक्वेशन है उसको। पहला इक्वेशन है x-3y-3=0। फिर दूसरा है आपका 3x-9y-2=0। पहले हम इसको चेक करते हैं, a1=1 यानी इसका गुणांक 1 है तो 1, b1=-3 और c1=-3। b1 का मान हो गया और c1 का मान हो गया, तो लिख दिए। फिर लिखेंगे a2=3, b2=-9, c2=-2। तो ये हो गया हमारा a2 b2 c2 का मान। अब हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम जानते हैं कि a1 बट्टा a2 = b1 बट्टा b2 = c1 बट्टा c2। a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान 3, b1 का मान -3 और b2 का मान -9, c1 का मान -3 और c2 का मान -2। ये माइनस माइनस कट गया, ये कट गया माइनस माइनस, 3 3 9, ये हो गया 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3/2। तो देखेंगे ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या होगा, a1 बट्टा a2 = b1 बट्टा b2, अब बराबर नहीं रहे c1 बट्टा c2 के, तो उसके कितने हल होंगे, उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जब इसका कोई हल नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमको इसका आंसर निकालना ही नहीं है। जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को हमको वज्रगुणन विधि से बनाना है। ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 2x+y = 5, 3x+2y = 8। तो हम पहले अब इसको चेक करते हैं। हमारा जो है दूसरा है दो नंबर 2x+y = 5, उसके बाद 3x+2y = 8। इसको चेक करते हैं। तो a1 = 2, b1 = 1, a1 = 2, b1 = इसका गुणांक 1 और c1 = 5। उसी तरह आपका a2 = 3, b2 = 2 और c2 = 8। अब इसको हम चेक करते हैं। तो a1 = a2 = b1 = b2 = c1 = c2। a1 = 2 है तो 2, a2 = 3 है तो 3, b1 = 1 और b2 = 2, c1 = 5 और c2 = 8। अब देखिए ये हमारा बराबर नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, अद्वितीय होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी इसका केवल और केवल एक हल, अद्वितीय मतलब एक हल। तो अब अद्वितीय होगा तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमको वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आप मान भी सकते हैं, अभी नहीं भी मान सकते हैं। तो वज्रगुणन विधि से हल करना है तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं। आपका पहला है 2x+y और ये 5 जो है यहाँ पे, ये 5 को हम उधर भेजेंगे एक साइड, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 5 हो जाएगा, -5 = 0। दूसरा समीकरण है 3x+2y और ये 8 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में = 0। अब इसको हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो क्या है, एक्स है तो एक्स लेंगे बट्टा देंगे, फिर बराबर वाई है तो वाई लेंगे बट्टा देंगे, फिर एगो अचर होता है तो अचर 1 बट्टा दे दिए। अब हमको एक्स का निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स वाला को ढकेंगे, तो एक्स वाला को ढकेंगे तो बच गया क्या, यहाँ वाई का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1, उसके बाद -5, फिर इसके नीचे क्या है 2 है, फिर यहाँ -8। ये हो गया हमारा एक्स का लिख दिए। अब वाई का निकालना है तो वाई को ढकेंगे, क्या है -5 तो -5, नीचे है -8 तो -8, फिर उसके बाद 2 है तो 2 और 3 है तो 3, तो ये y का हो गया। अब अचर वाला का लिखना है तो इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 है तो 3, फिर उसके बाद y का गुणांक 1 है तो 1, फिर y का गुणांक 2 है तो 2। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x
बटा एक से करेंगे माइनस आठ में तो माइनस आठ, और फार्मूला का माइनस, फार्मूला का यहाँ समझिए कि बीच में क्या होगा, फार्मूला जो है उसको आप देख लीजिएगा किताब में, उसका माइनस होता है, तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा पाँच गुना माइनस दस बराबर वाई बटा, इसको गुना करेंगे तो पाँच तिहाई माइनस पंद्रह, फार्मूला का माइनस, इसको गुना करेंगे तो आठ दूना माइनस सोलह बराबर वन बटा, इसको गुना करेंगे तो दो दूना चार माइनस, तीन में एक से करेंगे तो तीन एकम तीन। अब हम इसको हल करते हैं x बटा, ये हो गया माइनस आठ, ये माइनस प्लस दस बराबर, ये हो गया y बटा माइनस पंद्रह और माइनस माइनस प्लस सोलह बराबर, ये हो गया वन बटा चार में से तीन घटेगा एक। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x बटा ये दस में से आठ घट जाएगा तो दो बराबर y बटा सोलह में से पंद्रह घट गया वन बराबर वन बटा वन। अब हम इसमें से x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालेंगे तो इस x वाला को हम क्या करेंगे अचर के बराबर, यानी x बटा दो बराबर वन बटा वन, तो हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो इसके x से गुना करेंगे x बराबर दो में x से करेंगे तो दो, यानी x का मान कितना आ गया दो आ गया। फिर वही करेंगे y बटा वन बराबर वन बटा वन, अब इसको बराबर करेंगे एक बार तो y को x से गुना करेंगे y और 1 को x से करेंगे तो 1, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे अतः x बराबर दो और y बराबर 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। वज्रगुणन विधि से बोला है तो वज्रगुणन विधि से हल कर दिए। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा 3x माइनस पाँच वाई बराबर बीस, 6x माइनस दस वाई बराबर दस। अब इसको चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे उसके बाद बनाएंगे, अगर अद्वितीय होगा तो बनाएंगे वज्रगुणन विधि से, या नहीं होगा तो छोड़ देना है। तीन में है आपका 3x माइनस पाँच वाई बराबर बीस, उसके बाद है 6x माइनस दस वाई बराबर चालीस। तो पहले चेक करते हैं ए वन बराबर तीन, बी वन बराबर माइनस पाँच और सी वन बराबर बीस, फिर ए टू बराबर छ, बी टू बराबर माइनस दस और सी टू बराबर चालीस, जो दिया है उसको हम लिख दिए। चेक करेंगे क्या होगा ए वन बट्टा ए टू, ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। अब ए वन का मान तीन है तो तीन, ए टू का मान छ है तो छ, बी वन का मान माइनस पाँच है और बी टू का मान माइनस दस है, सी वन का मान बीस है और सी टू का मान चालीस है। कटने वाला है तो काट देंगे, माइनस माइनस कट गया, पाँच दूना दस, बीस दूना चालीस, ये कटेगा तीन दूना छ। अब देखिए तो ये कट गया तो वन बाई टू बराबर, ये भी कट गया तो वन बाई टू बराबर, ये भी कट गया तो वन बाई टू, यानी सब क्या है बराबर है, यानी ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। जब तीनों बराबर रहेगा तो उसके कितने हल होंगे, उसके अनेक हल होंगे, और जब अनगिनत हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हमको हल नहीं करना है। ये कह रहा है कि जो अद्वितीय हल होगा उसी को हमको हल करना है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सात बराबर जीरो, 3x माइनस थ्री वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो। अब इसको चेक करते हैं, चार नंबर, तो चार नंबर x माइनस थ्री वाई माइनस सात बराबर जीरो, 3x माइनस थ्री वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो। इसको चेक करते हैं तो a1 बराबर है आपका, x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1, b1 बराबर हो जाएगा माइनस तीन और c1 बराबर हो जाएगा माइनस सात। उसके बाद देखिए ए टू का मान है उसको लिख देते हैं, ए टू बराबर तीन, बी टू बराबर माइनस तीन और सी टू बराबर माइनस पंद्रह, ये हो गया। अब इसको चेक करते हैं ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। ए वन का मान हमारा वन है और ए टू का मान तीन है, बी वन का मान माइनस तीन है और बी टू का मान माइनस तीन है, सी वन का मान माइनस सात और सी टू का मान माइनस पंद्रह, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये तीन से तीन कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, यानी हो गया कितना वन बाई थ्री बराबर वन बटा वन बराबर सात बटा पंद्रह। ये देखते हैं ये आपका तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये जब ए वन बट्टा ए टू बराबर नहीं है बी वन बट्टा बी टू के तो इसके कितने हल, ये हो जाएंगे अद्वितीय, अद्वितीय होंगे यानी एक हल होंगे। हमको पहले कह चुका है कि क्या है, अगर अद्वितीय होगा तो उसको वज्रगुणन विधि से हल करना है, तो वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। यह हमारा समीकरण है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, समीकरण है हमारा x माइनस थ्री वाई माइनस सात बराबर जीरो, फिर दूसरा है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो। अब वज्रगुणन विधि से हल करना है तो आपका क्या हो जाएगा x बट्टा
फिर वाई बट्टा, फिर वन बट्टा। तो एक्स का निकालना है तो हम क्या, इसको एक्स को ढकेंगे तो बचेगा कितना, माइनस तीन और माइनस तीन, नीचे है माइनस, इसके बगल में है माइनस सात और माइनस पंद्रह, तो एक्स का हो गया। वाई का ढकना है तो वाई को ढकेंगे, तो वाई को ढकेंगे बचेगा क्या, माइनस सात और माइनस पंद्रह। फिर उसके बाद इसका गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक वन और ये है तीन, तो ये हो गया। अब अचर वाला को है तो अचर वाला को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, वन तीन और ये हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस थ्री, दोनों में माइनस है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ है वही यहाँ है, फिर जो यहाँ है वही यहाँ है, तो आपको ये तरीका है। अब इसको गुना करेंगे इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो हमारा एक्स बट्टा इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, पंद्रह तिया पैंतालीस, फार्मूला का माइनस, इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, सात त्रिका इक्कीस बराबर वाई बट्टा, फिर इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सात त्रिका इक्कीस माइनस, इसको गुना करेंगे तो माइनस पंद्रह बराबर वन बट्टा, इसको गुना करेंगे तो माइनस तीन माइनस फार्मूला का, और इसको गुना करेंगे तो तीन तिहाई माइनस नौ। अब इसको आगे बढ़ते हैं, एक्स बटा पैंतालीस में से इक्कीस घटाएंगे कितना होगा, पाँच में से एक गया चार, चार में से दो गया दो बराबर वाई बट्टा माइनस इक्कीस और माइनस माइनस प्लस पंद्रह बराबर वन बट्टा माइनस तीन माइनस माइनस प्लस नौ। अब इसको फिर हल करते हैं तो हो गया आपका एक्स बटा चौबीस बराबर वाई बटा, ये पंद्रह है ये माइनस में इक्कीस है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस छः बराबर वन बटा, इसमें से ये घटेगा तो छ। अब इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी एक्स वाला को अचर के बराबर करेंगे तो एक्स बटा चौबीस बराबर एक बटा छ, तो इसको गुना करेंगे तो छः एक्स बराबर चौबीस, तो एक्स निकालेंगे तो चौबीस बटा छ, यानी छः चौका चौबीस, यानी एक्स का मान कितना आ गया चार। अब हम क्या करेंगे, फिर वाई वाला को बराबर करेंगे, यानी वाई बटा माइनस छ बराबर वन बटा छ, इसको गुना करेंगे तो छ वाई बराबर, इसको गुना करेंगे तो माइनस छ, तो वाई निकालेंगे तो माइनस छ बट्टा छ, इससे ही कट गया ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा वाई बराबर माइनस वन। तो हमारा लास्ट में लिख देंगे अतः एक्स बराबर चार और वाई बराबर माइनस वन, तो यही हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी हमको इसमें ए और बी का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, हमारा तीनों बराबर होगा, यानी ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। तो दो का एक नंबर है क्वेश्चन है थ्री एक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सात, उसके बाद है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर थ्री ए प्लस बी माइनस दो। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ए वन ए टू जो होगा उसको लिख लेते हैं, ए वन बराबर है आपका दो, दो है बी वन बराबर है आपका तीन, सी वन बराबर है सात, तो सात लिख दिए, ये हो गया बी वन का मान, उसको लिख दिए। फिर ए टू बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक यानी ए माइनस बी, बी टू बराबर हो जाएगा वाई का गुणांक यानी ए प्लस बी, सी टू बराबर आपका अचर पद क्या है पूरा होगा थ्री ए प्लस बी माइनस टू। अब हम इसको कह रहा है इसमें कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, होने के लिए कब होगा, जब आपका ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू के होगा, तब क्या होगा इसका अनेक हल होंगे। अब हम मान डालते हैं ए वन का मान दो और ए टू का मान ए माइनस बी, फिर बी वन का मान तीन और बी टू का मान ए प्लस बी, सी वन का मान सात और सी टू का मान थ्री ए प्लस बी माइनस दो। अब इसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसको बराबर करते हैं, यानी एक बार इसको इसके बराबर करेंगे फिर एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, तो हमारा क्या होगा एगो ए माइनस बी का आएगा और एगो ए प्लस बी आएगा, फिर उसको हम कटाएंगे। तो अब बारी बारी से इसको बराबर करते हैं तो हो जाएगा टू बटा ए माइनस बी बराबर ये होगा सात बटा थ्री ए प्लस बी माइनस टू, इसको क्रॉस गुना करते हैं, इससे करेंगे तो क्या होगा सात ए माइनस सात बी, इस दो से करेंगे तो सब में करेंगे तीन दूना छ ए प्लस टू बी माइनस दो दूना चार, तो ये हो गया सात ए माइनस सात बी, इधर आएगा तो माइनस छ ए, इधर आएगा तो माइनस टू बी, और ये इसको रहने देते हैं इधर चार को, तो माइनस में है तो माइनस चार।
अब देखिए इस सात ए में से छवे घट जाएगा तो ए माइनस सात बी और माइनस टू बी क्या हो जाएगा माइनस नौ बी बराबर माइनस चार। ये हो गया हमारा समीकरण वर्क। अब फिर एकदा क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इसके बराबर। तब फिर आइए पुनः थ्री बटा ए प्लस बी बराबर सात बटा थ्री ए प्लस बी माइनस टू, इसको क्रॉस गुना करेंगे। इससे करेंगे तो सात ए प्लस सात बी बराबर, इससे करेंगे तो तीन तिहाई नौ ए, यानी पूरा में करेंगे फिर थ्री बी माइनस तीन दूना छ, तो सात ए प्लस सात बी इधर आएगा तो माइनस नौ ए, फिर आएगा तो इधर माइनस थ्री बी और ये हो जाएगा माइनस छ। सात ए में से ये देखिए नौ ए है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो घट जाएगा तो माइनस टू ए। ये सात बी है प्लस में और ये माइनस में, इसमें से ये घटेगा तो प्लस चार बी बराबर माइनस छ। ये हो गया हमारा समीकरण दो। अब हम समीकरण एक को और समीकरण दो को क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको जिस विधि से मन है उस विधि से हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, लुप्ति करने से कर देते हैं। यहाँ देखिए माइनस टू ए है और यहाँ पे आपका ए है, तो हम इसमें दो से गुना कर देंगे तो हो जाएगा टू ए, समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं समीकरण एक गुने दो, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो क्या करेंगे जोड़ करेंगे समीकरण दो से। तो इसमें दो से गुना करेंगे तो टू ए माइनस नौ दूना अठारह बी बराबर चार दूना माइनस आठ, इसमें नहीं कर रहे हैं तो लिख देंगे माइनस टू ए प्लस चार बी बराबर माइनस छ। अब इसको क्या है, जोड़ में कोई चिन्ह चेंजिंग नहीं होगा, ये वाला और ये वाला आपका कट जाएगा क्योंकि माइनस में है और प्लस में है, अठारह बी माइनस में है और ये चार बी प्लस में है, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा माइनस चौदह बी और ये आठ छ दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा माइनस चौदह, माइनस से माइनस कट गया तो b निकालेंगे तो 14 बट्टा 14 यानी कट के कितना 1 1 आ जाएगा, इसलिए b का मान कितना आ जाएगा हमारा b बराबर 1 हो जाएगा। अब b का मान 1 आ गया तो हम b का मान क्या करेंगे, समीकरण एक या दो में रख देंगे। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण वन है a माइनस नौ बी बराबर माइनस चार, देखिए a माइनस नौ बी बराबर माइनस चार इसमें रख देंगे, a माइनस नौ गुने बी का मान वन बराबर माइनस चार, तो a नौ को गिना करेंगे तो माइनस नौ बराबर माइनस चार, तो हो जाएगा a बराबर माइनस चार और ये नौ माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए a का मान कितना जाएगा पाँच। तो हमारा ए का मान पता चल गया और ये बी का मान हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे अतः ए बराबर पाँच और बी बराबर वन, तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू और बराबर नहीं होता है सी वन बट्टा सी टू के। समीकरण देख लीजिए, समीकरण है थ्री एक्स प्लस वाई बराबर वन और दूसरा है 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई बराबर 2k प्लस वन। तो हमको इसको हल करना है यानी k का मान निकालना है और उसका शर्त दे दिया है कि उसका कोई हल नहीं हो। तो जो पहले समीकरण है उसको लिख देते हैं, ये दो का दो नंबर क्वेश्चन है आपका 3x प्लस वाई बराबर वन, उसके बाद है 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई बराबर 2k प्लस वन, ये हो गया। अब कह रहा है कि क्या इसमें कोई हल नहीं हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे ए वन बराबर आपका होगा तीन, बी वन बराबर आपका होगा बी है, बी वन बराबर हो जाएगा वन वाई का गुणांक वन और सी वन बराबर हो जाएगा वन, फिर उसके बाद ए टू बराबर हो जाएगा आपका टू के माइनस वन, बी टू बराबर हो जाएगा के माइनस वन और सी टू बराबर हो जाएगा टू के प्लस वन, यानी ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू पता चल गया। कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं हो यानी के किस मान के लिए कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होता है, ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू और बराबर नहीं होता है सी वन बट्टा सी टू के। अब देखिए अब यहाँ पे हम मान डालेंगे, ए वन का मान हमारा तीन है तो तीन, ए टू का मान टू के माइनस वन है तो टू के माइनस वन, b1 का मान 1 है तो 1 और b2 का मान k माइनस वन, सी वन का मान बराबर नहीं है, c1 का मान 1 और c2 का मान 2k प्लस 1।
अब हमको क्या करना है, इसमें के का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये तो बराबर है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हम इसको हल करते हैं, आपका क्या है 3/2k-1 और 1/k-1, इसको हल करते हैं। तो इसको गुना करेंगे क्रॉस तो क्या होगा 2k-1, 1 से गुना करेंगे कोई चेंजिंग नहीं, बराबर 3 से गुना करेंगे 3k-3 = 3, अब हो जाएगा 2k, इधर से जाएगा क्या हो जाएगा तो -3k, ये -3 और ये जाएगा तो उधर +1। तो 2k में से 3k घट जाएगा, क्या है माइनस में है तो -k, बराबर ये क्या हो जाएगा -2। तो ये माइनस माइनस कट गया इसलिए k बराबर 2। तो लास्ट में लिख देंगे अतः k बराबर 2। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी हमको दोनों विधि से हल करना है और बताना है कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। तो आपको जो विधि अच्छा लगे उसको बता देना है, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि हम इसी को मानते हैं, जो अच्छा लगे उसको बता देना है। तो समीकरण हम उसको लिखते हैं, समीकरण है सो समीकरण है 8x+5y = 9। ये है आपका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 3 का 8x+5y = 9, 3x+2y = 4। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि दोनों विधि से कह रहा है तो पहले एक विधि से हल करेंगे। क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 है आपका कितना 3x+2y = 4। अब हम इसमें क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, 3x = 4 और ये जाएगा तो -2y। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 4 - 2y / 3, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है 8x+5y = 9। तो 8x का मान आया है 4 - 2y / 3 और +5y = 9। अब इसको गुना करते हैं तो 8 * 4 = 32 -8 * 2 = 16y / 3 +5y, इसको बट्टा 1 कर देते हैं बराबर 9। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का LCM 3, तो 3 * 3 तो हो जाएगा 32 - 16y +1 + 3 तो 5 * 3 = 15y = 9। अब देखिए ये 32, ये माइनस में 16y, ये प्लस में 15y, घट जाएगा तो -y / 3 = 9 और इसको बट्टा 1 कर देते हैं। अब क्रॉस गुना करते हैं तो इससे गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 32 - y और ये 9 * 3 = 27, तो -y = 27 और ये जाएगा तो -32। तो -y = 27 में से 32 घटेगा तो -5, माइनस माइनस कट गया इसलिए y का मान कितना गया 5। अब y का मान आ गया, अब y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा x = 4 - 2y / 3, तो x = 4 - 2 × y = 5 / 3 है तो 3, ये 3 है तो x = 4 - 5 × 10 / 3, तो x = हो जाएगा, ये घटेगा तो -6/3 यानी 3 × 6, इसलिए x का मान कितना आ गया -2। लास्ट में लिख देंगे अतः x = -2 और y = 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए।